नमस्कार दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर प्लान की ट्रेनिंग सीरीज के पांचवे ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम मांडो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि टिल्ट एंगल क्या होता है, अजीमुथ एंगल क्या होता है और ट्रू साउथ आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछली बार एक एक्टिविटी दी थी आपको कि आपको ग्लोबल एवरेज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस मई महीने के लिए सूरत लोकेशन के लिए निकालना है। तो उसका आंसर कुछ इस तरह आएगा, एक दिन में 9.15 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो सिस्टम और 15 दिन में 137.25 किलोवाट आवर। मुझे उम्मीद है कि आपको सही जवाब मिल गया होगा। अगर आप नहीं निकाल पाए ये जवाब तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आप कहां गलत हो सकते हैं। आइए अब आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने देखा था कि पैनल्स की जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक ऑप्टिमम पोजीशन की बात की थी। तो अब ये ऑप्टिमम पोजीशन क्या है? जो सोलर रेडिएशन का इरेडियंस का हमने जो डायग्राम देखा था उसमें ये था कि डायरेक्ट इरेडियंस और डिफ्यूज इरेडियंस, ये दो तरह के थे। अब डायरेक्ट इरेडियंस का आप देखें जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है, यानी सन से जो रेडिएशन आ रही है उनमें काफी ज्यादा मात्रा में डायरेक्ट रेडिएशन आता है। तो अगर हम डायरेक्ट रेडिएशन को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा। अब डायरेक्ट रेडिएशन को कैप्चर करने का मतलब है कि जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसी के परपेंडिकुलर अगर हमारा पैनल रखा जाए, उस रेज के परपेंडिकुलर अगर हमारा पैनल हो तो मैक्सिमम रेडिएशन कैप्चर हो पाएगा। काफी आसान लग रहा है ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये चीज इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों यूज होता है टिल्ट एंगल। जैसे कि हमने देखा अभी कि रेज को परपेंडिकुलर रखने के लिए हमने बात की कि रेज को परपेंडिकुलर रखने, तो जो पैनल है ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब रेज अगर सीधी आ रही है ऊपर से तो ठीक है, हम इस तरह रख सकते हैं। अगर रेज टेढ़ी आ रही है तो हमें पैनल को टिल्ट करना पड़ेगा एक एंगल पे, उसे बोलते हैं टिल्ट एंगल। तो वो कैसे निकालेंगे? अब आप देख सकते हैं कि समर में जो सन का पाथ है और जो विंटर में पाथ है वो दोनों पर काफी डिफरेंस है। तो अगर आप एक सीजन के अकॉर्डिंग अगर सेट करेंगे अपना जो टिल्ट एंगल है वो, तो दूसरे सीजन में वो काम नहीं करेगा। इसी तरह एक दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पे जो सेट करेंगे वो अगले टाइम पे काम नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक ऑप्टिमम टिल्ट एंगल की पोजीशन को निकाला है। तो अगर आप अपने पैनल को पूरे साल चला रहे हैं तो आप लैटिट्यूड जो है आपका उसके अकॉर्डिंग आपका टिल्ट एंगल सेट करेंगे। यानी मान लीजिए आपका लैटिट्यूड अगर 23 डिग्रीज है तो आपका जो पैनल का टिल्ट एंगल होगा वो भी होगा 23 डिग्रीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यानी फ्रॉम द बेस सरफेस। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ विंटर में इंस्टॉल करना है तो उस टाइम पे आपका जो टिल्ट एंगल होना चाहिए वो आपके लैटिट्यूड प्लस 15 डिग्रीज, यानी अगर आपका 23 डिग्रीज लैटिट्यूड है तो 23 प्लस 15 38, तो 38 डिग्रीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल आपका टिल्ट एंगल होगा। और सिमिलरली समर में लैटिट्यूड से माइनस 15 डिग्री करेंगे। अब जो ईयर राउंड वाला है वो फिक्स स्ट्रक्चर्स के लिए होता है, यानी ऐसे पैनल्स जिनके जो माउंटिंग रैक्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूवेबल नहीं होते। और जो विंटर और समर में आप चेंज करने की बात कर रहे हैं वो आप तब कर सकते हैं जब आपके स्ट्रक्चर्स मूवेबल हो। यानी अगर आपका सोलर पैनल कुछ इस तरह है तो अगर आपका जो स्ट्रक्चर है माउंटिंग स्ट्रक्चर वो मूवेबल है, यानी पैनल के जो टिल्ट एंगल है उसको चेंज कर सकता है, तो आप ये दोनों जो लैटिट्यूड्स का जो ऑप्टिमम एंगल है वो ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसका वेरिफिकेशन कौन करेगा। तो जैसे कि आप ये ग्राफ्स देख सकते हैं, ये वारी ने निकाले हुए ग्राफ्स हैं अहमदाबाद के लिए। तो जब साउथ फेसिंग आप अपने पैनल को रखेंगे तो आप देख सकते हैं लैटिट्यूड पोजीशन पे, लैटिट्यूड टिल्ट एंगल पे आपका जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम है दोनों केस में, अहमदाबाद में भी और कोलकाता में भी। तो इस तरह हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो टिल्ट एंगल है वो आप अपने लैटिट्यूड के एंगल के इक्वल रखें। अब दूसरी बात करते हैं अजीमुथ एंगल की, जो अभी हमने साउथ फेसिंग का, तो साउथ फेसिंग क्यों है आइए उसको जानते हैं। तो अजीमुथ एंगल क्या होता है?
जैसे हमने देखा था कि ये सन का पाथ है, रेड ब्लू और ग्रीन लाइंस में जो है वो सन के पाथ है डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर के। अब आप देखिए कि ये जो डायग्राम है वो नदर्न हेमिस्फीयर के लिए है। अब नदर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, और हमारा जो इंडिया है वो आता है नदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसीलिए हमारे पैनल्स हम साउथ की तरफ फेसिंग रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा सन जो है वो उसी पाथ से जाता है। तो अगर हम पैनल्स को साउथ फेसिंग रखेंगे तो मैक्सिमम सन की रेज हम पूरे दिन में कैप्चर कर पाएंगे। अब देखते हैं अजीमुथ एंगल होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि सन को साउथ की डायरेक्शन में रखेंगे तो हमें एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम मिलेगी, यानी हम पैनल्स को साउथ की तरफ रखना चाहते हैं। लेकिन अब ये हर बार पॉसिबल नहीं है, क्यों? उसका रीजन है शेडिंग। तो यानी कई बार क्या होता है कि आपके घर के पास में आप पेड़ हो या कोई बिल्डिंग हो तो उसका जो शेड है वो आपके पैनल्स पे गिरता है, अगर आपने परफेक्टली साउथ में रखा है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि पैनल्स का डायरेक्शन, जो पैनल्स की पोजीशनिंग है, वो थोड़ी सी डिविएट करें हम ईस्ट और वेस्ट, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द शेडिंग, कि आपका शेडिंग कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए हम एक पर्टिकुलर दूसरे एंगल पे रखते हैं, उससे हमारा रिडक्शन होगा, एनर्जी जो आउटपुट होगा उसमें रिडक्शन होगा, लेकिन इतना नहीं, वो रिडक्शन काफी मिनिमम है। और उसी तरह आपका पैनल का पोजीशनिंग किया जाता है, और इस एंगल को साउथ से जितना डिविएशन के साथ आप लेते हैं उस एंगल को कहते हैं अजीमुथ एंगल। अब देखते हैं शेडिंग की बात आई। अब शेडिंग का क्या मतलब है कि अगर आप, अब शेडिंग किस तरह इफेक्ट करेगा? आपने ये तो देख लिया कि आपके पैनल पे अगर किसी की परछाई हुई या फिर कोई पेड़ की परछाई या बिल्डिंग की परछाई आई तो उससे लॉस होता है, लेकिन कैसे लॉस होता है और उससे कैसे बचा जाता है, आइए हम देखते हैं। तो अब जैसे आप देख सकते हैं ये तीन सेल्स हैं या तीन पैनल्स आप ले सकते हैं, तो इनमें करंट का फ्लो जो है वो कुछ इस तरह बताया हुआ है। अब ये जो है ये है बाईपास डायोड्स, ये ही आपको हेल्प करेंगे आपके शेडिंग के इफेक्ट से बचने के लिए। तो जब शेड आता है तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपका करंट है वो पाथ चेंज कर लेता है, यानी सीधा जाने की बजाय अब वो घूम के जाएगा, यानी इस सेल से जो सेकंड नंबर का जो शेडेड सेल होता है या फिर शेडेड आपका जो पैनल है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कंसिडर ही नहीं करते हैं। इसके काफी सारे रीजन है ताकि आपका जो पावर है वो मैक्सिमम पावर पे चल सके, आपका जो पूरे सिस्टम का पावर आउटपुट है वो रिड्यूस ना हो, इसलिए हम ये बाईपास डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अब देखते हैं साउथ फेसिंग का वेरिफिकेशन कौन देगा कि क्यों साउथ फेसिंग ही रखना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं ये रेडिएशन डेटा, जो सोलर रेडिएशन है उसका डेटा दिया हुआ है टाइम ऑफ द डे के साथ, सनी एज वेल एज क्लाउडी डे के लिए। तो देखिए आप दिन के 11 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक, इस टाइम में आप मैक्सिमम सोलर रेडिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये टाइम वही है जिस टाइम पे आपका सन का पाथ ऑलमोस्ट साउथ फेसिंग होता है। ये देखिए 11 से 2 बजे ये ऑलमोस्ट साउथ फेसिंग टाइम है, तो इसी रीजन से हम साउथ फेसिंग रखते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए ही है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी रीजन की वजह से हम उसे साउथ फेसिंग रखना प्रेफर करते हैं। अब क्योंकि शेडिंग आ जाती है या कोई दूसरा इफेक्ट, कोई आपका जो बिल्डिंग है वो इस तरह ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड ही नहीं है कि साउथ फेसिंग आप रख सके, तो आप थोड़ा अपना पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अजीमुथ एंगल। तो हमने आप साउथ फेसिंग की और इसकी बात किया, लेकिन आप साउथ को फाइंड कैसे करेंगे? कंपास से, सही? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपास जो आपको बताता है वो होता है मैग्नेटिक साउथ, और जो आपका ट्रू साउथ है वो अलग होता है। उन दोनों के डिविएशन को समझते हैं आइए। तो अब जैसे कि देख सकते हैं ये ग्रीन डॉट है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, यानी ये है आपका ट्रू नॉर्थ, और इसके ऑपोजिट जो होगा वो होगा आपका ट्रू साउथ। और जो आपको आपका कंपास दिखाता है
वो है मैग्नेटिक नॉर्थ, जो ये रेड डॉट में दिखाया गया है, और इसी के ऑपोजिट जो होगा वो होगा आपका मैग्नेटिक साउथ। तो ये जो डिफरेंस है जियोग्राफिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में, उसे कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इसकी वैल्यूज आप ऑनलाइन पा सकते हैं, आपको काफी सारी साइट्स पे इसकी ऑनलाइन डिटेल मिल जाएगी कि ये वेरिएशन कितना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका साउथ ढूंढना चाहिए प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि अब तक हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में क्या क्या कवर कर लिया है। हमने देखा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है सोलार प्लांट की भी, और इलेक्ट्रिकल टर्म्स में भी हमने देखी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हमने जाना सोलार पैनल्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, और किस उनकी डेटा शीट को किस तरह रीड करते हैं उसके बारे में। उसके बाद में हमने इरेडियंस के बारे में जाना। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की है वो डिटरमाइन किस तरह करेंगे, कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा आपका पैनल या आपका सिस्टम, वो किस तरह डिटरमाइन करते हैं, हमने वो भी देखा। और उसके बाद में हमने देखा आज के वीडियो में कि पैनल्स को पोजीशन किस तरह करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है इन्वर्टर। और अगले वीडियो में हम इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने व्यूज और अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में दिखाइए। धन्यवाद।